Hello guys, welcome to all to Vanik Smart Class, and here it is. We have a very short session of only 5 minutes class. We have a very effective trick for dice. You can learn from this trick within a very short span of time, friends. I'm going to make you people aware about some of tricks which is very effective for any kind of SSC type exams. Here it is. A dice is given, friends. A dice. And you have to qualify the opposite of the symbol star, right? So how many approaches are there? सबसे best तरीका जो है वो है option cancellation method. Option cancellation method का rule ये है, अगर कोई भी चीज आपका adjacent हो चुका है, कोई भी face अगर adjacent है, तो फिर वो opposite नहीं होंगे. Keep in mind, any opposite face cannot be an adjacent face and vice versa is also satisfied. Adjacent face cannot be opposite and opposite cannot be adjacent faces, right? So यहाँ पे हमको जो दिया गया है चार positions of a single dice, we have to qualify the opposite of star. Here it is star, friends. The adjacents are at the rate and minus. So at the rate and minus should be disqualified from the whole answer options is because of we have to find out the opposite one. And we are talking about option cancellation method. Option को cancel करके answer निकालने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें none of this generally नहीं है. राइट right. और उसके बाद यहाँ पे एट द रेट प्लस की बात हो रही है तो प्लस जो एडजेसेंट हो चुका है वो अब ऑपोजिट नहीं बनेगा. उसके बाद यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे डॉलर, फ्रेंड्स डॉलर भी कैंसिल हो चुका है. इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8 हो गया है. राइट, ऑपोजिट ऑफ स्टार इज सेड टू बी 8. उसके बाद चलते हैं दूसरा एक उसी क्वेश्चन में. हमको निकाला है स्टार का ऑपोजिट. अब स्टार का ऑपोजिट ढूंढने के लिए हमको ऐसा दो डाइस चाहिए, इनमें से चार डाइस इसमें है, ठीक है, चार डिफरेंट पोजीशंस हैं एक ही डाइस का, और हमको दो डाइस चाहिए जिसका कोई भी फेस कॉमन ना हो. ऐसा जो पॉसिबल है वो ये दोनों के बीच में है. आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में, इस दोनों डाइस में ऐसा कोई भी फेस नहीं है जो कि कॉमन है, क्योंकि यहां पर एट द रेट स्टार और माइनस है और यहां पे डॉलर 8 प्लस है. कोई भी ऐसा फेस जो कि कॉमन नहीं है. अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं है, फ्रेंड्स आप जा सकते हैं डायरेक्ट आंसर के लिए. टॉप टू टॉप विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, लेफ्ट विल बी ऑपोजिट विथ राइट, एंड फेस टू फेस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर. इज दैट क्लियर? अगर कोई भी फेस कॉमन ना हो, यहां पे मैं दो डाइस बना रहा हूं फ्रेंड्स, अगर कोई भी फेस कॉमन ना हो, ए बी सी डी ई एफ, अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो फिर टॉप जो है वो टॉप के साथ ऑपोजिट हो जाएंगे और लेफ्ट विल बी ऑपोजिट ऑफ राइट एंड फेस टू फेस विल बी ऑपोजिट. दैट एग्जैक्ट थिंग्स हैज हैपेंड ओवर हियर इन दिस टू डाइस. फर्स्ट पोजिशन एंड फोर्थ पोजिशन में जिस तरह से वो रिलेशन बन रहा है वो काफी क्लियर दिख रहा है ऑपोजिट कौन सा है. और फाइनली हम चलेंगे एडजेसेंट कंपैरिजन मेथड. फ्रेंड्स एडजेसेंट कंपैरिजन मेथड का मतलब यह है, यहां पे स्टार दिया गया है, सारे जो एडजेसेंट्स हैं स्टार के मैं निकालूंगा. यहां पे स्टार का जो एडजेसेंट है वो एट द रेट माइनस, और यहां पे स्टार का जो एडजेसेंट्स है वो है एट द रेट प्लस, और यहाँ के जो स्टार का एडजेसेंट है वो है डॉलर प्लस, और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार के लिए नहीं मिल रहा है. राइट, तो यहां पर फ्रेंड्स एट द रेट, यहाँ पे 6 आइटम्स दिया गया है, एट द रेट एक ही बार होंगे लेकिन वो दिख रहा है 2 बार. क्लियर है? तो एट द रेट एक ही बार है और प्लस जो है वो भी एक ही बार है, और हमारे पास माइनस भी है और डॉलर भी है. अब एक फेस का 4 एडजेसेंट होंगे, एक ऑपोजिट होंगे. ये जो 4 फेसेस हम यहां पे डिटेक्ट किए हैं वो सारे आपके एडजेसेंट फेसेस हैं. किसके? स्टार के. बचे कौन? 8 जो कि यहां पे बैठा हुआ है. सो ये था एक छोटा सा ट्रिक आपको मतलब डाइस के ऊपर जो आप यूज करेंगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा. जो ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड में आपको बताया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक्स एवर फॉर डाइस. लेकिन हर वो क्वेश्चन उसमें क्वालिफाई नहीं होता है, काफी दूसरा ट्रिक्स इसमें है जो आपको पूरे वीडियो में मिल जाएगा.
ये शॉर्ट वीडियो था आपको सिर्फ हिंट देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।